can't keep up with your style. Hello everyone, welcome back to Coder Baba. This is part 8 of how to create a college website in ASP.NET. तो इससे पहले की वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको ऑनलाइन एडमिशन करना बनाना है यहाँ पे, तो ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म यहाँ पे बन चुका था। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं प्रिंट डिटेल की, तो आप प्रिंट डिटेल आप कैसे प्रिंट करेंगे डिटेल स्टूडेंट के, तो उसके लिए फिर से हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। स्टूडेंट वाला जो फोल्डर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक वेब पेज ऐड करना है और उसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पे डिटेल, और इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे डिटेल, और उसके बाद यहाँ पे मास्टर पेज हमें सेलेक्ट, और यहाँ पर हमें कोई भी मास्टर पेज सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पे, और अब हम इस पेज की डिज़ाइन को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। टाइटल आप दे देते स्टूडेंट डिटेल, मैंने इसे सेव कर दिया। और अगर मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊँ तो आपको इसी तरह से सेम जैसा कि आपने स्टूडेंट का जो लॉगिन का फॉर्म बनाया था, सॉरी स्टूडेंट का एडमिशन का जो फॉर्म बनाया था, सेम ऐसा ही फॉर्म ये होगा। तो यहाँ पर जो भी डिटेल होगी स्टूडेंट की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब हम इसके चलते हैं बैकएंड कोड की तरफ, तो उसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और व्यू कोड पर चलते हैं। तो यहाँ पर इस पेज के लोडिंग पर हम कोड लिखेंगे, एंड देन इसके बाद हम आप यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे इसे, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको कुछ इस तरह से लिखना है इसे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड, और आपको कुछ इस तरह से लिखना है पेज के लोड इवेंट पे, एंड देन ये सारा का सारा कोड आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और ये कोड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहाँ से आप इसे आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है बैक बटन, तो बैक बटन में हम करेंगे डबल क्लिक। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे हम बैक चले जाएंगे, दूसरे नेक्स्ट पेज पे बैक चले जाएंगे, और आपको यहाँ पे टॉप पे मिलेगा लॉगआउट बटन, तो आप इस लॉगआउट बटन पे करेंगे डबल क्लिक, और यहाँ पे हम फिर से चले जाएंगे होम पेज पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही जो बंदा लॉग इन किया है, और वो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल गई है। अगर आप प्रिंट करते हैं तो ऑलरेडी तो प्रिंट हो ही जाना है। ओके, यहाँ पे इसे मैं काट देता हूँ, एंड अगर आप बैक करते हो तो बैक पे क्या होगा, आप वापस चले जाओगे यहाँ पे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, और अगर हम लॉगआउट करेंगे तो फिर हम होम पेज पे चले जाएंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसे क्रिएट किया है। तो अब हम बनाने हैं फीस डिटेल, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फीस डिटेल वाला जो मेन देख रहे हैं, अब इसके लिए हमें पेज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो मैंने दिया है क्या दिया है, एक फीस डिटेल नाम से एक मैंने यहाँ पे एक पेज का नाम यहाँ पर दिया है। तो हम फिर से क्या करेंगे कि यहीं पर चलेंगे स्टूडेंट फोल्डर के अंदर हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका नाम जो होगा वो हम दे देते हैं फीस डिटेल। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है मास्टर पेज, ऐड पे आएंगे, और यहाँ पे ये जो मास्टर पेज हमारा है इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे इस पेज के साथ, और यहाँ पर ये दो कंटेंट पेज फोल्डर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हम कर देते हैं इसकी डिजाइनिंग, यहाँ पर मैंने इस पेज की जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पे तैयार कर दिया है, बना दिया है, और आपको मैं डिज़ाइन दिखाऊँ तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। फिर आप जो फीस इंटर करते हैं, तो कितना बंदे ने सबमिट किया है, कितनी उसकी फीस है, और कितना उसका बकाया रह जाता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, तो अब हम इसके डायनेमिक कोड की तरफ चल देंगे। तो सबसे पहले हम व्यू कोड पर जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मैंने ग्लोबली तौर पर कनेक्शन स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया है। फिर हम पेज के लोड पे हम ये पूरा कोड लिखेंगे, और उसके बाद एडमिशन टेबल हमने क्रिएट ही कर लिया है, एंड देन सेल्फ स्टार फ्रॉम कोर्स भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, और फ्रॉम फीस, तो फीस वाला हमने टेबल अभी क्रिएट नहीं किया था, ये टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फीस वाला टेबल। एंड देन यहाँ टेबल पे आपको करना है यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक एंड ऐड न्यू टेबल, और यहाँ पर हमें टेबल क्रिएट करेंगे। मैं जो टेबल क्रिएट करने वाला उसका नाम होगा फीस, और इस टेबल में होंगे चार, यहाँ पे फोर आपको कॉलम्स देखने को मिल जाएंगे, फीस आईडी, फीस स्टूडेंट आईडी एंड फीस अमाउंट एंड फीस डे। तो वो चलिए हम बनाते हैं। तो जो पहला कॉलम होगा वो होगा फीस आईडी, जो कि होगा इंटीजर, एंड जो नेक्स्ट होगा वो होगा फीस स्टूडेंट आईडी, तो इसे मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड दिस इज वेयर के
एंड अनदर इज जो है वो है स्टूडेंट सॉरी फीस अमाउंट, और अमाउंट तो हमें इंटीजर में देना है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा फीस डेट, तो आप देख सकते हैं ये है फीस डेट, और ये भी होगा आपका वर्कर। तो यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं और इस टेबल को मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इसका जो नाम होगा वो होगा फीस, और हम इसे कर देते हैं ओके। तो अब ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको मिलेगा बटन टू, उस पर डबल क्लिक करेंगे। बटन टू पर क्लिक करते ही हम चले जाएंगे होम पेज पे। तो लॉकआउट पर जाना है, हमें होम पेज पे जाना है। लॉकआउट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, होम पेज पे हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीस डिटेल वाला जो टेबल है यहाँ किसका भी कोड हो चुका है, तो इसे भी हम रन करके देख लेते हैं एक बार। चलेंगे ब्राउजर में, यहाँ पर आ जाते हैं यूज़र लॉगिन में चलते हैं, और पहले तो हम लॉगिन करते हैं हम मेरे उसी पुराने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पर हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मैं चलूँगा फीस डिटेल पे। तो जैसे मैंने फीस डिटेल पे क्लिक किया तो ये फॉर्म ओपन होके आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम बेसिकली नाम होना चाहिए था, तो हमें क्या करना है बैक पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एक मिनट लॉगआउट हो जाते हैं ओके, एंड देन यूज़र लॉग इन यहाँ पे लिखते हैं ओके 1 2 3, एंड यहाँ पे मैंने किया है लॉग इन, और यहाँ पे एक एडमिशन उसका क्रिएट कर लेते हैं। तो एडमिशन के लिए यहाँ पे लिखते हैं नाम है ओके। तो गाइस जैसे मैं ऐसे करूँगा सबमिट, तो ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब मैं चलूँगा फीस डिटेल पे। तो फीस डिटेल पे जैसे हम आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करण और बीसीए, ठीक है। तो क्या कोर्स का नाम बीसीए और ये करण। तो अभी आपको क्या करना है, फीस अगर आपको पेड करना है तो यहाँ पर सिर्फ विजिबल होगा क्योंकि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को यहाँ पे विजिबल होगा। और जो फीस पे किया जाएगा वो कहाँ से किया जाएगा, एडमिन सेक्शन से किया जाएगा। बट यहाँ पर स्टूडेंट अपनी फीस देख सकता है कि अगर वो उसका एडमिशन कितना लिया, कोर्स जो है उसका बीसीए है, तो बीसीए की फीस कितनी है 30,000। तो यहाँ पे पेड पेड कितना किया, 0 रुपीज़। तो अभी 1 रुपया भी पे नहीं किया, तो बैलेंस कितना है उसका, पूरे टोटल 30,000 रुपये बैलेंस भी है उसके। ये सबमिट करने का काम जो है वो एडमिन करेगा, तो हम इसे एडमिन सेक्शन से वहाँ से अपडेट करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल ये हमारा जो बैक चलते हैं, तो जो हमारा ये फीस डिटेल वाला जो वेब फॉर्म था वो क्रिएट हो चुका है। तो अब चलते हैं एडमिन सेक्शन की तरफ, वहाँ बनाते हैं हम कैसे यहाँ पे हम वैल्यू इंटर करेंगे। फोल्डर देखते हैं, फोल्डर को सेलेक्ट करना है और इस फोल्डर को ऐड क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड करना है, और इसका जो नाम होगा वो होगा फीस, यहाँ पर आपको मास्टर सेलेक्ट कर लेना है और उसे कर देना है आपको ओके। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट फोल्डर आपको देखने को मिले, यहाँ पर डिजाइनिंग का कोड है जो कर दिया है, और इसके आप डिजाइनिंग अगर आप देखना चाहते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिजाइनिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का अमाउंट कितना इंटर करना है, क्या डेट होगा और किस कोर्स में वो स्टडी कर रहा है, वो डिटेल यहाँ पर होगी। फिर यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है, अमाउंट इंटर करके वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो सारी चीज़ें इंटर हो जाएगी, और फिर ये रिकॉर्ड स्टूडेंट भी यहाँ से देख सकेगा। तो चलिए अभी हम इसका डायनेमिक कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड भी चलते हैं, तो एक मिनट पर ऐड कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लिया है। और अब एक मैं ग्लोबली कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं पेज के लोड इवेंट पे आपको ये सारा कोड लिखना है यहाँ पे, और इस तरह से इस कोड को लिखेंगे, और यहाँ पे आपके सारे टेबल भी क्रिएट हो चुके हैं, बन चुके हैं, और उसके बाद आपको ये लिखना है। तो इस तरह से सारा कोड आपको पेज के लोड इवेंट पे ये लिख देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो बटन है सेव बटन, इसका भी कोड हम करते हैं। तो सेव बटन पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इस तरह से पूरा कोड लिख देना है। तो यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने बनाया 3 वेरिएबल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस कंडीशन में मैं चेक कर रहा हूँ कि अमाउंट हमने इंटर किया है कि नहीं किया है, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से सारा का सारा कोड यहाँ पर लिखना है ओके। फीस को इंसर्ट इनटू फीस वाले टेबल में इंसर्ट करना है, जो आईडी में है, जो एएमटी जो वेरिएबल में है, और फीस डिटेल डॉट टेक्स्ट में जो
जैसे जो भी वैल्यू है उसे हम यहाँ पे डेटाबेस में जाकर राइट कर देंगे। उसके बाद हम फिर से कहाँ चले जाएंगे, स्टूडेंट व्यू वाले पेज पे मूव कर जाएंगे। तो इसे मैंने कर लिया है सेव। लॉकआउट बटन की कोडिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको होम पेज पे मूव कर जाना है। बैक बटन इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें मूव कर जाना है कहाँ पे, मूव कर जाएंगे स्टूडेंट व्यू वाला जो हमारा पेज है यहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो ये हमने ये क्लियर कर लिया। तो अब इसे रन करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसे लॉकआउट करते हैं और इस बार हम एडमिन को यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो जब एडमिन लॉगिन करेगा तो यहाँ पे इसका जो यूजर नेम पासवर्ड क्या है, एडमिन एडमिन था, एडमिन एडमिन एंड देन लॉगिन। तो यहाँ पर स्टूडेंट व्यू पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट व्यू पे इसका लिंक मैंने यहीं पे नहीं दिया है तो ये दे देते हैं पहले। स्टूडेंट व्यू शायद ये पेज क्रिएट नहीं हुआ है। अच्छा, ये पेज मैंने क्रिएट अभी नहीं किया तो ये पेज भी क्रिएट करना है। तो चलिए स्टूडेंट व्यू वाला पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले एडिटर वाले पेज में आपको एक और पेज ऐड करना है, ऐड क्लिक करेंगे और इस पेज का नाम हमें क्या देना है यहाँ पे, स्टूडेंट व्यू। और यहाँ पे मास्टर पे सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और ये आपका स्टूडेंट व्यू वाला जो पेज है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो हमारा यहाँ पे ये जो स्टूडेंट व्यू पेज है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसकी डिज़ाइनिंग आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पर आपको बेसिक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम इसका बैकिंग का कोड कर लेते हैं। तो बैकिंग जो उसका कोड है C# का, तो वो करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं पेज के लोड इवेंट पे। इसको ऐड कर लिए हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं 3-4। एंड कनेक्शन स्क्रीन का कोड यहाँ पे सबसे टॉप पे क्लियर क्रिएट कर देते हैं क्योंकि हमें बार बार लिखना होता है। जो कोड है वो कर दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ क्वेरी और उसके बाद व्हाट इज dd.click। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट कर लिया है। इस तरह से इसका जो सोर्स कोड है आपको इस तरह से लिखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा देता हूँ पूरा सोर्स कोड। ओके, ओके। इस तरह से मैंने यहाँ पे पास दे दिया है और उसके बाद आपको यहाँ आगे चलना है नेक्स्ट। ओके, सेव कर लेता हूँ इसको। तो इसी तरह से आपको दो और मेथड क्रिएट करने होंगे, तो दोनों में क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। तो एक का नाम होगा ab_click, दूसरे मेथड का नाम होगा fe_click, जो फीस के लिए होगा ये। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका कोड। ओके, तो पहला तो है dt_click, तो यहाँ पे मैंने बना लिया है dt के लिए, डिटेल्स के लिए। और उसके बाद अब आपको क्रिएट करना है नेक्स्ट find_click नाम से। आपको यहाँ पे क्रिएट करना है find_click और इस नाम से आपको एक मैसेज बनाना है और यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, फिर कनेक्शन स्क्रीन का कोड एंड देन फिर आपको ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। और ये पूरा आप जैसे जिस तरह से पूरा आप देख लेंगे, तो यहाँ पे हम बेसिकली में बना के आ रहे हैं जैसे कि बंदा क्या करना चाहता है। ग्रिड व्यू में अगर वो डिलीट पर क्लिक करेगा तो डिलीट हो जाएगा, अगर एडिट वाले बटन पर क्लिक करता है तो एडिट होगा, फीस वाले पर क्लिक करता है तो फीस वाला कॉलम ओपन होकर आ जाएगा। तो जिस तरह से वो जिस पर क्लिक करके जिस कमांड को देगा वो यहाँ पर वो टास्क यहाँ परफॉर्म होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये बना लिया है। बटन वन के क्लिक पे हम चले जाएंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पेज पे। तो बेसिकली ये जो फाइंड बटन है यानी कि सर्चिंग करने के लिए, जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे फाइंड बटन। तो यहाँ पे फाइंड बटन का पूरा कोड है और ये जो एक है फाइंड बटन के लिए, आप इसे हटा दीजिए। ओके, तो इसे मैंने यहाँ पे हटा दिया। फिर लॉग आउट के लिए, तो जैसे मैं लॉग आउट करूँगा तो मैं होम पेज पे रिमूव कर जाऊँगा। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे और अब हम इसे कर लिया है हमने सेव। और अब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो जैसे कि मैं अगर व्यू स्टूडेंट स्टूडेंट व्यू वाले पेज पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो बट स्टूडेंट व्यू का शायद लिंक नहीं है यहाँ पे क्लिक करेंगे ये, और यहाँ पर हम क्या दे देंगे, स्टूडेंट व्यू जो आपका है, जो ये पेज है इस पेज का लिंक है यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट व्यू पे क्लिक करना है और यहीं पर आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट में स्टूडेंट व्यू वाले पेज का यहाँ पे लिंक दे देना है। और अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हम स्टूडेंट व्यू वाले पेज पे मूव कर जाएंगे।
यहाँ पर हम आ गए हैं स्टूडेंट व्यू वाले पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर दो बंदों की एंट्री हुई है, एक का जो नाम है करण है और दूसरे का नाम है डबल क्यू। तो करण का जो यहाँ पे फादर्स दिस इज द नेम, फादर्स नेम एंड दिस इज द मोबाइल नंबर, और यहाँ पे क्या एक्शन आपको परफॉर्म करना है। तो अगर आप डिलीट पर क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, एडिट पर क्लिक करोगे तो एडिट हो जाएगा, फीस पर क्लिक करोगे तो फीस डिटेल हो जाएगा। तो चलो फीस पे चलते हैं। तो फीस पे क्लिक किया तो सडनली हम चले गए फीस डिटेल वाले पेज पर। ऊपर आप देख सकते हैं स्टूडेंट फीस डिटेल। तो यहाँ पर इसकी जो टोटल फीस है वो क्या है, 30,000 रुपये। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं अभी शुरुआत में 10,000 रुपये यहाँ पर दे देता हूँ मैं, तो 10,000 रुपये मुझे जमा करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा ओहो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, व्हाट इज द कॉलम नेम और नंबर ऑफ प्रिफर्ड वैल्यू मिसमैच। ओके, देख रहे हो प्लेस टेबल को आप कर लो ओपन। तो यहाँ पे जो ये फीस आईडी है ये प्राइमरी की होगी, तो इसे आपको प्राइमरी की सेट कर देना है। ओके, तो इसकी आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यस कर देंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कॉलम इसे स्टूडेंट आईडी को कर देंगे, और तो आपको इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने इसे, और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आइडेंटिटी करके। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसके आइडेंटिटी को यस कर देना है, और 111 बिल्कुल सही है। और इसके बाद आपको इसे फिर से क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, जिसे मैंने कर दिया सेव। सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से मैंने इसे कर लिया सेव। अगर सेव नहीं हो रहा है तो आप चलेंगे टूल बॉक्स पे आएंगे, ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर आएंगे डेटाबेस, और यहाँ पर हम चलेंगे क्वेरी व्यू डिजाइन नहीं टेबल। ओके, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे डेटाबेस टूल्स में आएंगे, उसके बाद आप चलेंगे टेबल एंड डेटाबेस डिजाइनर में चलेंगे। यहाँ पर आपको ये जो चेकबॉक्स देख रहे हैं प्रिवेंट सेविंग चेंज रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, तो इसको आपको अनचेक कर देना है एंड यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद आप इजीली डेटाबेस में मॉडिफिकेशन कर पाएंगे बनाने के बाद। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे इसे यस करेंगे और अब ये सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। अब इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको इसे रीलोड कर देना है और ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे फीस डिटेल पे आ जाते हैं। ओके, तो अमाउंट यहाँ पर दे देते हैं हम 5,000। जैसे मैंने 5,000 दिया, जैसे हम करेंगे सेव, ये सेव हो चुका है। तो अगर आपको इसे देखना है तो फिर चलते हैं इसके फीस डिटेल पे क्लिक किया, तो इसमें बंदे ने क्या किया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस डेट में इस बंदे ने 5,000 रुपये सबमिट किया। तो यहाँ पर जैसे टोटल फीस 28,000 रुपये है, तो उसमें से कितना पेड किया है, 5,000 रुपये। तो बैलेंस कितना रह गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 23,000 रुपीज़ यहाँ पे ही यहाँ पे रह गया। फिर से अगर आप कोई अमाउंट इंटर करते हो, जैसे इस बार मैंने कर दिया है 10,000 रुपये यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया है, और उसके बाद करता हूँ मैं सेव। जैसे मैं सेव करूँगा तो वो रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया। अब अगर आपको देखना है कि कितना उसका अमाउंट रह गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी उसने कितना दिया, एक 5,000, 10,000, 15,000, फिर यहाँ पे टोटल जो पेड किया वो ये किया है। अब जितना उसका बैलेंस रह गया वो इतना उसका बैलेंस रह गया। तो इस तरह से आप बैलेंस और कितना स्टूडेंट ने पे किया, कितना उसका रह गया, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो।